या तो त्रिशूल, जब तक ये त्रिशूल उसको दुनिया में कोई भी परास्त नहीं कर सकते। फिर वो अस्त्र लवणासुर था या मधुदैत्य, और लवणासुर था भक्त, लेकिन ये मधुदैत्य और बदमाश निकला, इतने दुष्ट निकला, सारा दुनिया में टहलका मचा दिया, कहीं मेरे देश में कोई यज्ञ नहीं कर सकता हो, हरि कीर्तन नहीं कर सकते, भजन नहीं कर सकते, साधुओं को मार मार कर जेल में बंद कर दिया, और जहाँ पर साधु लोग भजन करते थे उनको सारे खा लिया है। और वो खुद में त्रिशूल है, भगवान राम बोले कोई चिंता मत करो मैं देख लूंगा। तब उन्होंने श्री शत्रुघ्न जी को भेजा, शत्रुघ्न खुद ने कहा देखो प्रभु जी आपका सेवा भैया भरत ने भी किया, लक्ष्मण ने भी किया, लेकिन अकेला में ही नहीं किया, इसलिए ये सेवा का दायित्व तो मेरे ऊपर में दो। तो भगवान राम ने कहा देखो उसको परास्त करना बड़ा कठिन है, जब वो घर से बाहर निकल करके जाएगा तब उसको चुनौती देना, जब घुसने चाहेगा उसको अंदर में घुसने मत देना, क्यों, उसका हाथ में त्रिशूल रहेगा तो उसको कोई मार नहीं सकते। और भगवान राम उसको स्पेशल एक अस्त्र दिया, बोले ये अस्त्र को लो युद्ध करना, जब देखो कि किसी तरह से उसको परास्त नहीं कर पा रहे हो फिर ये अस्त्र को तुम प्रयोग करना। उन्होंने ठीक ऐसे करके उन्होंने मार दिया, किसको मार दिया, मधुदैत्य को उन्होंने मार दिया। मार करके यहाँ पर एक मंदिर हम दर्शन करेंगे, यहाँ पर शत्रुघ्न ने फिर उन्होंने भगवान राम उसको राज तिलक लगा दिए थे। शत्रुघ्न को भगवान ने कहा देखो शत्रुघ्न जब तुम लवणासुर को वध करोगे राज्य अभी उजड़ गया है, अभी उजड़ा हुआ राज्य को तुमको पुनः बैठाना पड़ेगा। बोले प्रभु आपको मैं छोड़ कर रह नहीं सकता, आपके बगैर मैं रह ही नहीं सकता। बोले कोई बात नहीं मैं तुमको एक विग्रह देता हूँ। तब उन्होंने ये जो बराह देव है उन्होंने शत्रुघ्न को ये बराह देव दी, बोले ये बराह और कोई नहीं मैं हूँ। कितना केशव धृत राम शरीर, केशव धृत कुर्म शरीर, केशव धृत सुकर रूप जय जगदी सहरी, इसलिए कहती ये मेरे से अभिन्न है, इसी मूर्ति में ही तुम राम को मेरे को तुम दर्शन करोगे। इसलिए शत्रुघ्न जी ये मूर्ति को ला करके जब उजड़ गया राज्य को उन्होंने पुनः उन्होंने स्थापन किया, यहाँ पर राजा बने और ये मथुरापुरी को पुनः श्री शत्रुघ्न ने पुनः बैठाया। इसलिए श्री बराहदेव है, यहाँ पर दो बराह है, अलग अलग समय पर ये बराहदेव प्रकट हुए। एक तो उन्होंने बराहदेव कब प्रकट हुए, बोले जिस समय श्री मनु महाराज जी ये सृष्टि को पुनः स्थापन करना चाहते थे, वो राज्य है ही नहीं कहाँ पर स्थापन करेंगी, तब ब्रह्मा जी छींकने पर उनका नासिका से एक मच्छर जैसे प्राणी सृष्टि हुआ और बढ़ते बढ़ते विशाल श्री बराह रूप धारण किया, विशाल बराह रूप धारण किया। इसी समय एक बराहदेव प्रकट हुई है, पृथ्वी को इन्होंने ला करके धूरी पर स्थापन किया, ये एक बराहदेव प्रकट हुए यहाँ पर है। और दूसरे कल्प में पर दूसरे समय पर श्री बराहदेव प्रकटित हुए, दो बार बराहदेव प्रकट हुए हैं। कहते हैं इनको मारा किसने, ये दो भाई थे, एक हिरण्याक्ष और एक श्री हिरण्यकशिपु, ये दोनों भाई राक्षस बने और दुनिया में इतने टहलका मचा दिए थे दोनों भैया ने, हैं इतने दोनों भैया ने बड़े जगत में उत्पात मचा रहे थे। इसलिए पहले तो श्री हिरण्याक्ष को भगवान ये बराहदेव रूप में वध किया, हैं हिरण्याक्ष को बराहदेव रूप में वध किया और हिरण्यकशिपु को श्री नरसिंह देव ने प्रकट किया है। क्या इसका तात्पर्य क्या है, पहले तात्पर्य है कहते हमारे पास में भी दो दैत्य है, हमारे अंदर में भी दो दैत्य बैठे हुए, वो दो दैत्य कौन है, कहते एक हिरण्याक्ष और एक हिरण्यकशिपु। बोले इसका मतलब क्या है, बोले हिरण्याक्ष मतलब होता है हिरण्य, मतलब होता है सोना, अक्ष मतलब आँख, जिनको आँख में ये सोना बैठा हुआ है हिरण्य। बोले हिरण्यकशिपु मतलब, कशिपु मतलब होता है बिस्तरा, हिरण्य मतलब होता है सोना, जिसकी बिस्तरा का ही सोना है, एक का आँख में सोना बैठा हुआ और एक का बिस्तरा में सोना बैठा हुआ है। कहते तो भाई ये सोना क्या है, बोले ये कली को परीक्षित महाराज ने चार जगह पर कली को स्थान दे दिया, मतलब कलयुग में कोई भक्ति करना चाहते हैं उनको ये चार नियमों का पालन करना पड़ेगा तभी भगवान की भक्ति कर सकते हैं, नहीं तो भगवान की भक्ति हो ही नहीं सकता। पहला नंबर किसी तरह का जुआ नहीं खेलनी चाहिए, अधर्म का पहला स्थान सत्य, जो जुआ खेलता है सत्य नष्ट हो जाता है। दूसरा नंबर पानम, पानम मतलब होता है किसी तरह का नस्ली वस्तु प्रयोग नहीं करनी चाहिए, पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग शराब गुटखा चाय तक भी नहीं लेनी
चाहिए, कली का दूसरा स्थान। अगर ये वस्तु को कोई ग्रहण करता है वो व्यक्ति कभी तपस्या नहीं कर सकता है। तीसरा स्त्रियम, स्त्रियम का मतलब है कहते स्त्रियों में भी कली का निवास है। बोले कौन सा स्त्रियम? बोले जो बगैर शादी के, बगैर शादी के जो स्त्री पुरुष का संग, पुरुष स्त्रियों का संग करते हैं। संसार करो ये एक तरह का गृहस्थ आश्रम है, लेकिन शादी करके ही घर गृहस्थी करनी चाहिए। बगैर शादी के जो पुरुष स्त्री, स्त्री पुरुष संग करता है, यदि कली का एक निवास है वो अपवित्र, वहाँ पर पवित्रता वो कभी रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर पवित्रता नष्ट हो जाती है। कली का तीसरा स्थान। चौथा स्थान है जीव हिंसा। जीव हिंसा में मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन, ये चीज को नहीं ग्रहण करनी चाहिए। कली का चौथा स्थान है। इसलिए कहते ये हिरण्याक्ष एक का आंखों में हिरण्य, हिरण मतलब सोना, सोना मतलब ये कली का सब जितना स्थान है ना ये सोने में ही, जहाँ पर पैसा ज्यादा है ना, देखना ज्यादा पैसा जहाँ पर ये सारे घर का जितने पाप कर्म, जहाँ पर ज्यादा पैसा वहीं पर सारे पाप कर्म होता है। इसलिए ये आंख में हिरण्याक्ष मतलब जिनको आंख में कली बैठा हुआ है, कली मतलब ये चार गंदी चीज बैठा हुआ। कश्यप मतलब होता है बिस्तरा, बिस्तरा में जिसकी सोना, सोना का बिस्तरा मतलब भोग है। इसलिए कहते भैया जब तक ये भोग वृत्ति रहेगा भगवान की भक्ति होना कठिन है। इसलिए महाप्रभु बोले विषय दूरे कृष्ण जानिए निश्चय, विषय से भगवान बहुत दूर है। इसलिए भगवान की भक्ति करना तो ये संसार का जो विषय भोग है इसको त्याग देना पड़ता है भक्ति करने के लिए। जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, नरसिंह दास ठाकुर सब राजा, राजा घर के बच्चे थे, लेकिन भगवान की भक्ति, मीराबाई, तुलसीदास, हनुमंत लाल जी, देखो इन लोगों ने सारे विषय को त्याग दे करके सारा दिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन लोगों ने भजन किया। इसलिए कहते अगर ये कृपा किसका हो, बराह देव का कृपा हो, अगर सिर्फ नरसिंह देव का कृपा हो ना, इनकी कृपा से ही ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु तब इनकी कृपा से ही दूर हो सकता है। जब तक ये चीज दूर नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं होगा, भजन नहीं कर सकते हो। इसलिए हम लोग श्री बराह देव के पास में आए, इनसे प्रार्थना करो, हे बराह देव आप तो ये हिरण्याक्ष को तुमने वध किया है, हिरण्याक्ष को वध किया, और हमारे जितने इंद्रियों में सबसे जो गंदा इंद्रिय है आग, सबसे कौन सा गंदा इंद्रिय है आग, ये सारे रोग का जड़ है, सारी अनर्थ का। देखना आप भजन करने के लिए बैठो, ये आंखों में जो जो चीज देखे होंगे ना, गंदी गंदी जो चीज देखा होगा, आप भजन करने के लिए बैठो देखना वही सब गंदी चीज, वही चीज सब गंदी चीज आंखों में, वही चीज स्मरण होता है। इसलिए श्री बिल्लो मंगल प्रभु जब भजन करने के लिए गए, फिर ये आंख देखा सब चिंतामणि ने उसको, हाँ चिंतामणि उसको गंदा बात बताए, बोले तुम ये शरीर गंदे शरीर, जो शरीर टाटी पेशाब खून पी, जो शरीर टाटी पेशाब खून पीक से जो भरा हुआ शरीर, तुम ये गंदे शरीर में जितने आसक्ति तुमने किया, अगर उसका एक आना अगर तुम भगवान के प्रति प्रेम करता है ना, तेरे बेड़ा पार हो जाता। वो चिंतामणि बेस्या ने उसको गाली दिया, उनने कहा बात सही है, मैंने ये चिंतामणि बेस्या के प्रति आसक्ति होकर के मैंने क्या किया, सांप को भी सांप नहीं समझा, उसको रस्सी मानकर चढ़ गया, जो मरा हुआ शरीर को भी मैंने मरा हुआ नहीं समझा, सोचा कोई लकड़ी की है, लकड़ी का ठेल, और उसको ऊपर होकर के हमने पार हो गया। अगर इसका एक आना अगर भगवान की सेवा में लगा देता मैं तो उधार ही भेजता। वो धक्का खा कर गया, फिर दूसरे सेठानी का प्रति आसक्ति हो गया, फिर दूसरे एक पत्नी की, हाँ स्त्री कोई सुंदर स्त्री देखा फिर उसको प्रति आसक्ति हो गया, फिर उसको पीछे पीछे गया, पीछे पीछे गया तो वो भाग गई, उसको पति आए बोले बाबा क्या बात, बोले थोड़ा स्त्री को बुला, बुलाए बोले क्या, बोले उसको खोपा में तो कांटा है, तो कांटा को तो कांटा दिया तो उनको उन सामने आंख भी फोड़ दिया। बोले ये जितना आंख जितनी बदमाशी है, यही आंख ही जितना गंदी गंदी चीज को देख करके भजन करने के लिए बैठे तो आंख में जो चीज देखा होगा वही चीज तुम्हारी याद आएगा, भगवान गए और भगवान भक्ति नहीं होगी, इसलिए उन्होंने आंख ही फोड़ दिए हैं। बोले न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, आंख रहेगा तभी तो हमें गलत रास्ता पर ले सकता है, अगर ये आंख नहीं रहेगा तो हम कहां गलत रास्ता पर, इसलिए ये आंख ही फोड़ दो, ये आंख ही फोड़ दो, फिर तो खूब हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए हम श्री बराह देव से प्रार्थना कर रहे, बराह देव आप ही हिरण्याकश्यप वध किया है, इसलिए हमारे हमारे आंखों में भी वही गंदी चीज बैठा हुआ है, क्योंकि इनकी कृपा नहीं होगा ना हिरण्य के वध नहीं होता, इनकी कृपा से ही हिरण्य के वध हो सकता है। इसलिए बराह देव सबको पर कृपा करे, हमारे हिरण्य के वध हो जाए और भगवान की प्रति हमारी प्रेम हो और भगवान की भक्ति में हम जा सके। ठीक है, श्री बराह देव की जय, श्री नरसिंह भगवान की जय, जय गौरदेव की जय। अपना सब हिंदी बुझते पारे ना, हाँ अपना सब पंडित आस अन्नाजी प्रभु कृपा आस अन्ना नहीं कृपा हल सब अन्नाजी ना जार आदि नहीं, चलो चलो हमारा रास्ता है ना, এটা দীর্ঘ বিষ্ণু আছে, হ্যাঁ দীর্ঘ বিষ্ণু দর্শন করে, এটা অনন্ত পদ্মনাভ দর্শন করে আমরা।